नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसराइल ने भारत से वर्कर्स की मांग की है। खास बात तो ये है कि सैलरी लाखों में होगी और साथ में घर, खाना, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसराइल में नौकरी देने के लिए भारत से संपर्क किया है। इसराइल को 10,000 कंस्ट्रक्शन कर्मी और 5,000 स्वास्थ्य सेवा में देखभाल करने वाले लोगों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में इसराइल की कंपनियों की टीम भारत का दौरा करेगी। इसराइल ने पिछले साल भी भारत से लोगों को भर्ती किया था। इस बार फिर उसे लोगों की जरूरत पड़ गई है। इसराइल की ओर से पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी यानी PIBA ने भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू किया है। PIBA की ओर से बताया गया है कि फ्रेमवर्क, आयरन बोर्डिंग, प्लास्टरिंग और सेरेमिक टाइलिंग जैसे चार कामों के लिए लोगों की जरूरत है। PIBA की टीम अगले सप्ताह भारत का दौरा करेगी और अपनी जरूरत के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन करेगी। निर्माण श्रमिकों के लिए भर्ती अभियान का दूसरा राउंड महाराष्ट्र में आयोजित होगा। इसके अलावा इसराइल को अपनी हेल्थ केयर सेवाओं में सुधार के लिए 5,000 देखभालकर्ताओं की जरूरत है। इसके लिए कम से कम 10वीं पास उम्मीदवार, जिसके पास मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान से केयर गिविंग कोर्स पर सर्टिफिकेट और 990 घंटे का ऑन द जॉब प्रशिक्षण हो, वे आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको बता दें कि पिछले साल जब इसराइल ने भर्ती अभियान चलाया था तो 16,832 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया था, जिनमें से 10,349 को चुना गया था। इस बार ज्यादा कैंडिडेट के आने की उम्मीद है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 1,92,000 रुपए सैलरी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस, भोजन और आवास की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हर महीने 16,515 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। भर्ती का पहला राउंड उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना में होगा। भारत और इसराइल के बीच मई 2023 में भारत के अस्थायी रोजगार पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब फिर से इसराइल में वैकेंसी आई है। अब फिर से इसराइल की कंपनियां भारत का दौरा करेंगी और अपनी जरूरत के हिसाब से श्रमिकों का चयन करेंगी। इसराइल के अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों ने कम से कम 10वीं क्लास पूरी की हो या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र या कम से कम 990 घंटे के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ एक देखभाल का कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य पूर्व के देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करने जाते हैं। इसराइल में भी भारतीयों की अच्छी खासी मांग रहती है। हालांकि पिछले साल इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद वहां हालात संवेदनशील हो गए हैं। जब से इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, कई भारतीय इन इलाकों से जाने से कतराने लगे हैं। अब इस बार भर्ती के बाद क्या स्थिति देखने को मिलती है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।